चितारा विधानसभा से श्रीमती किरण अहिरवार भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को संदेश दिया और भाईचारा भर्ती महंगाई के खिलाफ आवाज, भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज, लोगों के बीच में बढ़ रही दूरियों को आपसी भाईचारे में परिवर्तन करने का संदेश दिया। कल से आपके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जतारा विधानसभा में निकाली जा रही है और आपके साथ में हजारों की संख्या में सड़कों की संख्या में कई पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? बस हम यही संदेश देना चाह रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी इतनी लंबी पदयात्रा कर रहे हैं पूरे भारत देश में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बस एक ही हमारा संदेश है कि हम भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्यार का संदेश फैला रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरे देश में नफरत का एक माहौल बन गया है, भाई भाई आपस में लड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में हम प्यार का संदेश फैलाते जाएं और इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम लोग एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष नवीन साहू जी हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग जब से यहाँ चल रहे हैं बहुत अभूतपूर्व लोगों का समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन इस बात का गवाह देता है कि आने वाले 23 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।